नमस्कार, मैं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज़। गुजरात के चुनाव के तारीखों का ऐलान हो गया है और अब और आज से और अभी से गुजरात में सिर्फ और सिर्फ उन चीज़ों का ऐलान देखने को तो मिलेगा, उस चीज़ों का जंग देखने को मिलेगा जिस चीज़ों का हमेशा से लोगों को बेसब्री से इंतजार रहता है। नेताओं के आरोप प्रत्यारोप का, एक दूसरे पे इल्ज़ामों के दौड़ का और सबसे अहम बात किसी की खिंचाई करने पर। लेकिन इस सब के बीच में क्या उस जंग की बात होगी, क्या उस जंग की लड़ाई होगी जिससे जनता का भला और फायदा हो सकता है? वो है जनता के मुद्दों की बातचीत। 27 सालों से जिसकी सरकार रही है उनके काम काजों की बहसबाजी क्या हो पाएगी, या फिर इस जंग में, इस ऐलान जंग में सिर्फ और सिर्फ सरकार की बहवाई के साथ साथ जनता के मुद्दे क्या हवा हो जाएंगे? ये बड़ा सवाल है जिस पर आज चर्चा करने की कोशिश करेंगे। एक सवाल ये भी है जो चुनाव आयोग को लेकर हमेशा से उठ रहे हैं, जब हिमाचल के तारीखों का ऐलान हुआ था तब भी और आज जब गुजरात के चुनाव के तारीखों का ऐलान हुआ तब भी, दो चरणों में चुनाव होंगे और 8 तारीख को ही नतीजे आ जाएंगे। लेकिन अगर हिमाचल के चुनाव की बातचीत करें तो 26 दिन का गैप लिया गया, उसके बाद जो है नतीजे आएंगे। बहरहाल इस पे तो खुल के बातचीत करेंगे, लेकिन आज तारीखों के ऐलान के बाद अब नया समीकरण क्या रहेगा, लोगों के जहन में क्या है, लोग क्या सोच रहे हैं, ये जानने की कोशिश करेंगे हम हमारे तमाम सहयोगी से। सबसे पहले नेहा जी इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। नेहा मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। दो चरणों में चुनाव हो रहे हैं, नतीजे 8 को ही आ जाएंगे, अब यहाँ से पार्टियों की तैयारियाँ किस तरह से होगी और अब किस तरह का जंग देखने को मिलेगा गुजरात? देखिए, पार्टियों की तैयारियां तो वैसे इस वक्त भी अभी चल रही थी। सबसे पहले यहाँ अगर देखा जाए, मैं तीनों पार्टियों की यहाँ पर बात करूँ, क्योंकि इस वक्त गुजरात में त्रिकोणिया पार्टियां उतरी हुई है। सबसे पहले नंबर पर अरविंद केजरीवाल यानी कि आम आदमी पार्टी की मैं अगर बात करूं तो आम आदमी पार्टी काफ़ी महीनों से गुजरात में उतरी हुई है। देखिए, बीजेपी 27 साल से ऑलरेडी वहां पर राज कर रही है। बीजेपी इतनी ज़्यादा ज़मीन पर नज़र नहीं आई जितनी कि आम आदमी पार्टी। और रही बात कांग्रेस की, तो देखिए कांग्रेस की तरफ से तो अभी तक मुझे परिंदा भी वहाँ घूमता नज़र नहीं आया है। हालाँकि अभी ये देखा जा रहा था कि कांग्रेस को नए अध्यक्ष मिलना था, इसमें वो व्यस्त थे, लेकिन अब तो नया अध्यक्ष भी मिल गया, अब तो आइए। और अगर एक बात यहाँ पर ये भी बता दूं कि 2017 के चुनाव में 48% वोट से जीती थी बीजेपी, 41% वोट से जीती थी कांग्रेस। अगर देखा जाए दोनों में अंतर ज़्यादा नहीं है, 8 से 9% का अंतर है। अगर कांग्रेस चाहे तो वहाँ ज़मीन पर उतरकर ये प्रतिशत भी खत्म कर सकती है। नेहा मैम, एक सवाल जो बड़ा सवाल है, 2014 के बाद से एक नारा आपने सुना होगा, हर हर मोदी घर घर मोदी, और आपने ये भी देखा होगा और सुना होगा कि मोदी का चेहरा ही काफ़ी है किसी राज्य को या केंद्र को जीतने के लिए। 27 सालों से सरकार रही है, भूपेंद्र पटेल हो, विजय रूपानी हो या तमाम मुख्यमंत्री जो रहे हैं, उसके नाम पर इस बार वोट मिलेगा, गुजरात की जनता वोट करेगी या फिर मोदी जी के ही नाम पे करें? देखिए, गुजरात में, गुजरात तो छोड़िए आप, जहां पर भी बीजेपी इस वक्त सत्ता में है, और खासकर गुजरात की बात इसलिए हो रही है क्योंकि गुजरात का चुनाव इसलिए भी अहम है क्योंकि मोदी और शाह का गढ़ कहा जाता है। देश के प्रधानमंत्री मोदी का जो सीएम से लेके पीएम तक का सफर है वो गुजरात से शुरू हुआ है, तो जाहिर सी बात है गुजरात में तो देखिए पीएम मोदी के चेहरे से ही चुनाव लड़ा जाता है। वो इसलिए क्योंकि जब विजय रूपानी मुख्यमंत्री बने थे, मुझे लगता है कि 50% जनता को ये तक भी नहीं पता होगा कि हमारे मुख्यमंत्री कौन बने। रही बात भूपेंद्र पटेल की, तो भूपेंद्र पटेल का ये भी नहीं पता होगा कि विजय रूपानी को बदलकर उनको भी बिठाया सत्ता में। तो देखिए, यहाँ जाहिर सी बात है कि किसी जनता से आप खुद ग्राउंड पे जाने वाले, आप जाकर ये पूछिएगा जनता से कि आप किसको वोट देंगे, मुझे लगता है एक छोटे से छोटा बच्चा वहां पर ये कहेगा कि हम तो मोदी जी को वोट देंगे। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। वाकई में देखिए, खास करके जब मंत्रियों की बात आती है, विधायकों की बात आती है, मुख्यमंत्रियों की बात आती है, तो इससे बेहतर हिसाब किताब करने का जो है वक्त हो ही नहीं सकता है, और जनता इसका हिसाब किताब करती है, यही लोकतंत्र की खूबसूरती है। देखिए, चुनाव के तारीखों के ऐलान से पहले अगर आप गुजरात के चुनाव को चर्चा करें, अगर उनको समझने की कोशिश करें और पलड़ा भारी किसका था इसको समझने की कोशिश करें, नो डाउट कि केजरीवाल ने दमखम लगा दिया, आम आदमी पार्टी ने पूरी ताकत झोंक दी, और उसमें जब सर्वे में तोला गया तो पाया गया कि वो आगे हैं। लेकिन जब तारीखों का आज ऐलान हो गया है तो अब किसका पलड़ा भारी है, ये जानने की कोशिश करते हैं। ऋतिक इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। ऋतिक, आपका बहुत बहुत स्वागत है, कैसे देख रहे हैं आज ऐलान हो गया है, अब किसका पलड़ा भारी रहेगा और कौन किस पर फतेह पाएगा? देखिए, ये बहुत बड़ा सवाल है, और आप ये देखिए, मौरी पुल इतना बड़ा हादसा होने के बाद आप तारीखों का ऐलान कर देते हैं, और उसके पहले हिमाचल प्रदेश की तारीखों का ऐलान हो चुका था, लेकिन आपने उस समय नहीं किया, जबकि एक साथ कर सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लेकिन इतने बड़े हादसे के बाद क्या रणनीति हो सकती कि तारीखों का ऐलान एकदम से कर दिया गया? लेकिन सवाल यहाँ पर ये
है कि अब क्या देखने को मिलेगा। सबसे पहली बात तो ये कि हम लोग अभी बात कर रहे थे कि मारवाड़ियों का क्षेत्र गुजरात कहा जाता है, सर आप आज जाने वाले भी हैं और कवरेज वहाँ करेंगे, और कहा जाता है कि लगभग सबसे ज़्यादा अगर वोट की बात करें तो मारवाड़ियों का वोट है, 7% दलितों का वोट है, वहीं 25% अगर बात करें तो आदिवासियों का वोट है। तो यहाँ पर देखना हमें ये होगा कि जनता का जो आक्रोश है मौर्य पुल को लेकर वो कैसे बदला यहाँ पर निकालेगी। हम लोग कह रहे थे कि लगभग आम आदमी पार्टी को 50 से 60 सीटें मिल सकती हैं, जबकि जो सेंधमारी होगी वो कांग्रेस पार्टी का होगा। लेकिन जो मौर्य पुल हादसा हुआ उसको देखते हुए यही लगता है, क्योंकि भूपेंद्र पटेल ने कोई इस्तीफा की बात नहीं की, नरेंद्र मोदी ने माफ़ी नहीं मांगी, 30 तारीख को हादसा हुआ, आप 1 तारीख को पहुँचते, तो कहीं ना कहीं ये गुजरात मॉडल जो है वो ध्वस्त हुआ है। इसको लेकर सामने ये लग रहा है कि आने वाले समय जब तारीखों की घोषणा हो चुकी, जब चुनाव किए जाएंगे, जो रिजल्ट आएगा उसमें कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को ज़्यादा लाभ मिलेगा, ये समझ में यहाँ पर आ रहा है। और ठीक, एक सवाल और ये भी है जो बड़ा सवाल है कि तारीखों का ऐलान तो हो गया, 2 चरणों में है, 8 को रिजल्ट आ जाएंगे, हिमाचल में सिर्फ 68 सीटें हैं, तो वहाँ बहुत गैप दिया गया, यहाँ वक्त बहुत कम दिया गया, इसलिए लेट हो गया या इसलिए कि वाकई में जो विपक्ष सवाल उठाता रहा है, जो आशंका रही है, क्या उस वजह से? देखिए, चुनाव आयोग ने एक बात साफ तौर पर कही थी कि हिमाचल जो चुनाव की घोषणा तारीखों की घोषणा हुई थी वो पहले इसलिए कर दी गई क्योंकि वहाँ का जो वातावरण है उसके अनुकूल है, यहाँ पर वातावरण का उन्होंने यहाँ पर मुद्दा उठाया था। तो हो सकता है कि हिमाचल प्रदेश में जो अपने सीटों की गैपिंग की एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है, लेकिन 182 सीट पर यहाँ चुनाव होने वाला है तो यहाँ पर इतनी देरी क्यों? कहीं ना कहीं ये कयास लगाया जाता है कि नरेंद्र मोदी भाई साहब की रैलियाँ रह गई होंगी वहाँ पर, शिलान्यास रह गए होंगे, लोकार्पण पर रह गए होंगे, तो इस वजह से ये चुनाव में देरी हुई है वोटिंग और जो ऐलान तारीखों की होनी थी उसको लेकर। बहुत बहुत शुक्रिया, वाकई में जब वो 27 सालों में गुजरात को नहीं चमका पाए तो एक दिन में क्या चमकाएंगे। ऋतिक ने कल एक लाइव सेशन में ये भी बातें कही थी कि अस्पताल को अब लिपापोती कर चमकाने की कोशिश कर रहे हैं, जब लाइट ही नहीं रहेगा तो कितना भी आप पेंट कर ले चमकने वाले वैसे भी नहीं है। बहरहाल देखना होगा कि क्या होगा। राहुल सर इस वक्त मेरे साथ मौजूद है, राहुल सर चुनाव की तारीखों का ऐलान हो रहा है, अब यहाँ से आप कैसे देख रहे हैं, वक्त सिर्फ 1 महीना बचा हुआ है, 1 महीना में कौन पार्टी बेहतर जो है तैयारी कर पाएगा? देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि गुजरात चुनाव की जो तारीख में देरी हुई है कहीं ना कहीं अंदर की बात जो है वो मिली भगत की बात जरूर है, क्योंकि आपने हिमाचल चुनाव की तारीख का ऐलान तो कर दिया लेकिन गुजरात में देरी, तो चीज़ें जनता समझते नजर आ रही है। और देखिए, जो अभी के मुद्दे उठे हैं, चाहे वो मौर्वी पुल का मुद्दा हो या 27 साल से गुजरात में बीजेपी ने काम ना किया हो, उसका जरूर चुनाव पर असर पड़ेगा। और आम आदमी पार्टी जिस तरह से टक्कर दे रही है गुजरात में बीजेपी को, तो ऐसा लग रहा है कि 50-60 से ज़्यादा सीटें बहुत आसानी से निकाल लेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। 50-60 सीटें भी अगर आती हैं तो देखिए, मुझे नहीं लगता कि ये जीत है, ये जबरदस्त जीत होगी। चलिए एक आखिरी सवाल की तरफ रुख कर रहे हैं और आखिरी सवाल से ये समझेंगे। क्रांति मेरे सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं, क्रांति कैसे देख रही हैं, क्या चुनाव के तारीखों के ऐलान होने के बाद त्रिकोणीय संघर्ष रहेगा, मुकाबला रहेगा, या फिर बीजेपी या आम आदमी पार्टी वर्सेस किसके किसके बीच? देखिए, यहाँ पर अब त्रिकोणीय मुकाबला शायद थोड़ा सा ढीला पड़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि देखिए भाजपा की जैसे बढ़ती हुई सी यहाँ पर छवि दिखाई दे रही थी कि 2000 बहुत समय से लंबे समय से वो चुनावी मैदान में थे और पिछले 27 सालों से सत्ता पर काबिज थे और इस बार भी बड़ी आसान जीत की तरफ बढ़ रही थी, लेकिन जब से मौर्वी पुल का हादसा हुआ तब से यहाँ पर केजरीवाल का पलड़ा भारी हो गया, कांग्रेस का भी पलड़ा भारी हो गया, क्योंकि उन्होंने भी अपना चेहरा जो है वो बदल दिया है। तो देखिए, ऐसे में अब दूसरी तरफ आप एक चीज और देखिए कि इस बार भाजपा के पास कोई भी अब इस तरीके का चेहरा बचा नहीं जिसको सीएम पद पर उतार दिया जाए तो उनकी नैया पार हो सकती है, क्योंकि वो उसी चेहरे को दोहराएंगे जिसके ऊपर आज सवाल उठ रहे हैं, जिसके ऊपर जो है बहुत सारे कालिख पोते जा रहे हैं। तो देखिए, जनता कब तक बर्दाश्त करेगी? तो मुझे लगता है कि इस बार भाजपा शायद रेस से बाहर हो जाएगी और इस तरफ दो पार्टियों में चुनाव होता हुआ दिखाई देगा, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी। अब की बार किस किस का सीधा सवाल? आम आदमी पार्टी, शायद आम आदमी पार्टी की सरकार। जहां से जिस वक्त ये वीडियो शूट हो रहा है वो दिल्ली है, यानी देश की राजधानी, और आम आदमी पार्टी की यहाँ सरकार है, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी हैं, और ये पूरी अपनी ताकत जो है वो इस वक्त गुजरात में लगा रही है। बहरहाल तारीखों का ऐलान हो गया, तमाम सहयोगियों को सुनने के बाद ये आपने तो जरूरी समझ लिया होगा कि कम से कम भले ही किसी की जीत या किसी की हार हो, लेकिन इस बार का जो चुनाव है वो इतना आसान भी नहीं है और इतना हल्का भी नहीं है, कांटे की टक्कर है, एक दूसरे पर जबरदस्त घमासान देखने को भी मिलेगा, वार पलटवार भी देखने को मिलेगा, और शायद ही कोई ऐसा ट्विस्ट होगा जो जनता तक नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि गुजरात में इस वक्त मोदी जी और अमित शाह जी के गढ़ में अरविंद केजरीवाल घुसकर वो तहलका मचा रहा है जो जनता इस वक्त देखना चाह रही है। बहरहाल देखते हैं कि आने वाले वक्त में जनता किसके साथ जाती है और किसकी सरकार बनती है। आप दर्शक को क्या लगता है कि आखिर गुजरात में किसकी सरकार बनेगी, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, आप देखते रहे स्पेन आई न्यूज़। नमस्कार।